In 93, and I came to Mumbai. That time, you know, there was like the albums just started to happen. Some remix came from UK, Churaliya, Bali Sagu, I guess. So that time when I decided that I'll do something like that in India. Because India mein kisi ne aisa kuch shuru nahi kiya tha. It was more youthful, you know, youth appealing. Us time pe maine ek series shuru ki, Bollywood versus Hollywood. Mera pehla album gaya, कुमार शानू, अभिजीत, जॉली मुखर्जी, शंकर महादेवन, सोनू निगम. सो मुझे पहली ही एल्बम में इतने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला. देन आई डिड सीरीज ऑफ दैट एल्बम. 98 में मैंने अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया, चाहत. अमृता अरोड़ा का डेब्यू था वो. उसके बाद मुझे मौका मिला एक यूनिवर्सल के लिए एल्बम, वीडियो एल्बम करने का. मैंने उनके लिए कोई शहरी बाबू करके एक रिमिक्स निकाला, विच वॉज ह्यूज हिट ऑन MTV. और वहाँ से रिमिक्सेस का जो दौर शुरू हुआ, बैक टू बैक आई गेव 19 हिट्स एल्बम. एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हो, हमारी इंडस्ट्री में टैग लग जाता है कि दिस गाय कैन ओनली डू रिमिक्सेस. उस टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि समथिंग इज मिसिंग, यू नो, आई हैव टू एक्सप्लोर, आई हैव टू, यू नो, डू समथिंग न्यू. एंड दैट वॉज द टाइम जब मैंने एक साल में लंदन चला गया था. आई बॉट न्यू साउंडस, न्यू सैम्पल्स, आई डिड कपल ऑफ शॉर्ट कोर्सेज इन UK. बाद मैंने काफ़ी एस डायरेक्टर्स के साथ सिटिंग्स भी की, जैसे कि अनुभव सिन्हा, रावण जो बना रहे हैं, संजय गाडवी, धूम जिन्होंने बनाई, और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उनके साथ. और वहाँ पर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं सिर्फ गुड प्रोजेक्ट्स करूँगा, प्रोमिनेंट, जो कि ओरिजिनल हों. एल्बम्स मुझे इसलिए छोड़ने पड़े क्योंकि प्रोडक्शन लेवल एल्बम्स में बहुत नीचे गिर चुका था और पॉप सेक्टर गायब हो चुका है. इट्स डेड right now from the market.